चैनल माय नेम इज गुलजार एंड यू गाइस आर वाचिंग गुल रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस पठान स्पेशल चल रहा है और आज पठान स्पेशल में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ SRK ने रिसेंट पठान के सक्सेस इवेंट में भाईजान के लिए क्या बोला है। सो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सो जल्दी से चलते और चल के पहले वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं कि आखिर SRK ने भाईजान सलमान खान के लिए उनको शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि उनकी पठान में जो स्पेशल अपीयरेंस थी जिसने सबके दिलों को बाग बाग कर दिया है, जैसा क्या बोला है। सो 3, 2, 1 लेट्स गो। सो गाइस ये कहती है मैंने वीडियो प्ले। वन पर्सन हु इज नॉट हियर, आई थिंक ऑल ऑफ अस लव हिम मोर देन एनीवन कैन। भाई इज नॉट हियर, थैंक यू सलमान वाओ making this film so wonderful. I think the second best line in the film is painkiller hai chewing gum nahi. painkiller hai chewing gum nahi, sab karenge aaram se, sabr se kaam karo, sabr se kaam karo. suno abhi to wapas aaya hu, ab kahin nahi ja raha beta. wo aisa bol raha hai, abhi to wapas aaya hu. and the dialogue of the film rightfully पठान के घर में पार्टी रखोगे तो पटाखे के लिए पठान तो आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। पटाखे भी लाएगा। क्या बात है, अमेजिंग। प्लीज प्ले द सॉन्ग सो सिद्धार्थ एंड जॉन कैन डांस टू इट। या सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग। अच्छा गाना जब तक तैयार है सिद्धार्थ, कम 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 सिद्धार्थ। अच्छा फोटो 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 भाई, आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम लोगों ने खाने का मेन्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लीज आप लोग। अरे वो तो सिर्फ छोटा सा था जी, हाइट ही थी वो तो यार। प्लीज आप लोग खा भी जाइएगा अच्छे से। अच्छा फोटो फोटो फोटो, म्यूजिक तैयार हो तो बताइएगा मुझे। रेडी, थैंक यू थैंक यू। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती पठान आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास। Just want to mention a small thing here, sorry, I don't mean to take away time of everyone on stage. लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज थी, आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिद्ध को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी है ममता, जॉन लाइक आई सेड आई हैव नोन दीपिका, बट आई टेल यू वॉट आई फेल्ट ऑन द सेट बिकॉज आई वॉज कमिंग ऑन द सेट्स आफ्टर मेनी ईयर्स, a couple of years or more than that, and every shot that we've given even before we've walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, sabko har roz sirf ek hi baat dil mein aati thi ki yaar ye film Shahrukh bhai ke liye achhi ho. Aur Deepika Shahrukh bhai, that's amazing. शाहरुख भाई नहीं बोलती, भाई बहन ना लग गए। आई लव द ह्यूमर ऑफ SRK। टेक्नीशियंस समहाउ दे आल्सो रियलाइज, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव ऑल दीज ब्यूटिफुल फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड देयर फैमिलीज हैव गिवन मी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लो ऑन कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा। आई एम वेरी प्राउड टू से आई गेट स्केट समटाइम्स, आई फील सैड समटाइम्स, आई लूज कॉन्फिडेंस मेनी अ टाइम्स इन अ डे, एंड दैट्स व्हाई आई कीप गोइंग, बिकॉज द वीकर यू आर द स्ट्रॉन्गर यू कैन बिकम, बट दीज आर द पीपल, दैट्स ट्रू, अमेजिंग, गिव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लव। आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, टंग 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 टंग। अच्छा कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम। आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे सिद्धार्थ, आप कुछ नहीं कर सकते। अगली फिल्म में आपको जी समझ रहे ना आप, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे वो अपने आप में हैं, यूनिक हैं। सबसे पहली बात तो जितने लोग यहां मौजूद हैं इन सब की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए।
सबसे हाईएस्ट फास्ट, मतलब फास्ट 200 करोड़ इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, 250 करोड़ जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट तेज फास्ट अगर किसी ने बनाया वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था एंड दे डिजर्व दैट, हाय मेरे बहुत बहुत जबरदस्त मूवी बनाई गई है। तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे, क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ नहीं आपसे जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में व्हाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे ममता यहाँ ममता थैंक यू सो मच ममता ममता यहाँ आज फाइटर के प्रोड्यूसर है एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद वाइफ, लवली वाइफ, शी स्टाइल्ड मी, तो ममता थैंक यू सो मच। और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है केसी क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग क्योंकि जो भी सारे जितने आउटफिट्स बहुत कमाल के थे, जॉन के भी और दीपिका के भी, आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक क्रेडिट टू ऑल दीज पीपल फॉर मेकिंग द फिल्म लुक सो गुड। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक मौका है मेरे पास। आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख। John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं age में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और मेरा experience ज़्यादा हो, because मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों। I just want to say, should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, but जब मैं John को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं। बट आई रियली डू बिलीव द बैकबोन ऑफ पठान एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एसेइंग दैट रोल, द बेस्ट थिंग इन पठान इज जिम प्लेड बाय जॉन। ये जो बात है ना कि दूसरे अपने को स्टार्स को इतना क्रेडिट देना अच्छा भी कम होता। नॉर्मली बैड गाइज जब लोग प्ले करते हैं तो सिर्फ शक्लें बना रहते हैं, बट टू बी राइटली बैड एंड टू जस्ट टेक अ सिनिकल व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली द डायरेक्टर द राइटर्स एवरीबडी हैज जस्टिफाइड द कैरेक्टर, बट टू प्ले इट विद सच स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार बार rehearsal करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है। तीन दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. Wow, amazing, very well said. Guys, seriously, this video was so heart-touching. जिस तरह से SRK ने पहले सलमान खान का थैंक यू बोला और फिर अपने को स्टार्स की जिस तरह तारीफ की, उन्हें क्रेडिट दिया, जॉन को जो है वो बैकबोन बोला मूवी का, और अपने फेज, अपने फ्लॉज, अपने डर को बताने में कोई भी उन्होंने शर्म नहीं या उसको कोई बुरा नहीं समझा, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि हम सब के लिए कि अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेसेस को कभी भी जो है वो छुपाएं नहीं, उनसे भागे नहीं, बल्कि उनको समझें और उन पे वर्कआउट करें, सो वन डे विल सक्सीड। सो बहुत ही कमाल की हर एक एक बात लगी, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जिम का जो कैरेक्टर था हुआ कि अगर कोई और होता ऑपोजिट SRK के तो शायद इतना मजा नहीं आता, लेकिन जो डॉन इब्राहिम ने प्ले करा हर लिहाज से, उनकी बॉडी, उनकी एक्शंस, उनकी स्टाइल्स, उनकी फेस एक्सप्रेशंस, हर चीज वॉज अमेजिंग एंड परफेक्ट। सो आई रियली एंजॉयड द होल वीडियो, स्पेशली जो भी SRK ने बोला और जिस तरह का उनका ह्यूमर था बीच बीच में, मतलब एक सीरियस बात करने के बाद वो जो अपनी एक लाइन देते हैं ना, और फिर जो उन्होंने अपना गाना भी गाया और कहा कि अब मुझे जो है वो सिंगिंग में भी ट्राई किया जा सकता है,
और स्टार्ट की बात तो मैं बोला भूल गई कि अभी उन्होंने अभी से डिफाइन कर दिया कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, सो सब्र करें। सो अभी तो ये साल शुरू हुआ है, अभी आनी है पठान के बाद आने हमारा जवान रेडी है, उसके बाद जो है वो डक की भी होगी। सो बिल्कुल भी आप लोग भी मिस नहीं कीजिएगा पठान से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या अपने रिव्यू शेयर करना चाहते हैं मूवी देखने के बाद, सो जल्दी से कॉमेंट्स में जाइए और आप लोगों को बताइए कि आप लोग को पठान कैसी लगी, और आप लोग को एसआरके के ये इंटरव्यू इट्स काइंड ऑफ अ इंटरव्यू जो कि आफ्टर सक्सेस पार्टी है पठान की। सो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस पे मैं अपना रिएक्शन चेक करूं तो जल्दी से कमेंट्स में वो भी बताइएगा। सो गाइस विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप ही को मेरे 8K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेगा। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।